पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ हुदाशा और मैं हूँ इकरा हारिस। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है। तो आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है। एक बार फिर जो कि नैपरा ने मुस्तरद किया था कि हुकूमत बिजली महंगी करने जा रही है, इसी हवाले से बात करेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताएगा इस हवाले से मजीद। जी, एक साथी राबता कमेटी का इजलास अभी खत्म हुआ है, जिसमें बिजली की कीमतों में मामूली इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और हमारा ज़राए का ये कहना है कि बिजली की कीमतों में तकरीबन 10% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। आज जो समरी पेश की गई थी उसमें 50 यूनिट तक जो सार्फिन माना बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की सिफारिश नहीं की गई थी, लेकिन ऐसे सार्फिन जो एक इस्तेमाल करते हैं 80 यूनिट इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जबकि ऐसे सार्फिन जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 1.22 रुपये फी यूनिट इजाफा तजवीज़ किया गया था, और 300 यूनिट तक के लिए 2.04 रुपये फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। अभी इजलास खत्म हुआ है जिसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में कम अज कम 10% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और वजीर खजाना असद उमर का ये कहना है कि तवक्को से जितनी तवक्को की जा रही थी उससे कहीं कम बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, लेकिन बिजली की कीमतों में फिर भी इजाफा कर दिया गया है, और इसकी मजीद तफसीलात अब से कुछ देर बाद सामने आएंगी। जी ठीक है। और वकास ये बताइएगा, इससे पहले जो है ये कहा जाता रहा है कि कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, जब भी इजलास होता था इस मामले पे बात नहीं की जाती थी, इसे मौखर कर दिया जाता था, लेकिन आज एकदम ये फैसला सामने आ गया और आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई। जी, आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-ख़ज़ाना असद उमर ने भी यही बात की है कि जितनी